15 मिनट जल्दी आओ भैया, लोकेशन पे खड़ी हूँ मैं। अबे भाई लड़की देख यार, कितनी सही है ना, साइड से कितनी मस्त लग रही है। इसके कपड़े देखियो कितने टाइट टाइट पहने हुए हैं, लड़कियाँ ऐसी तो अट्रैक्ट करती हैं हमें। सही कह रहा है। और यार उसकी ना ब्रास स्ट्रैप भी दिख रही भाई। भाई इसकी लाल ब्रा देख के ना मेरा ना मेरे अंदर का सांड जाग रहा है, मन कर रहा है टक्कर मार दूं जाके। लाल नहीं है, पिंक है। वैसे तुझे क्या लगता है ये वही है? कौन? अबे वो। अच्छा वो। अबे हाँ यार, ऐसे टाइट टाइट कपड़े पहन के फुटपाथ पे आके वही तो खड़ी होती है। अच्छा सुन, एक बार रेट पूछ। नहीं यार मैं नहीं पूछ रहा, कहीं वो नहीं हुई तो। अरे 100% वही है यार, तू पूछ तो। यार तू पूछ, तू जाके पूछ। रहे क्या हुआ साहब, शर्मा क्यों रहे हो साहब? मैं तो कब से आपका वेट कर रही थी कि आप मुझसे चलने के लिए कब पूछोगे। अरे कहाँ चलना, हमें कहीं नहीं जाना है, जाइए आप। आप ही तो बोल रहे थे साहब, एक बार मिल जाए बस, चलो फिर। मैडम मैंने कहा ना आप गलत समझ रहे हो, हमें कहीं नहीं जाना। क्या नाटक कर रहे हो साहब, अरे आपके लिए तो ऐसे कपड़े पहनकर सड़क पे खड़ी हूँ। और आप ही तो कह रहे थे कि देख उसका ब्रा स्ट्रैप दिख रहा है। अरे क्या ब्रा स्ट्रैप, क्या बोल रही है? क्यों शर्मा रहे हो साहब? अच्छा रेट को लेकर शर्मा रहे हो क्या? देखो धंधा डाउन चल रहा है, कस्टमर भी नहीं है, आधे घंटे का 2000 लूंगी मैं, ठीक है? और देखो कमरा भी मेरा, ऐसा करो दोनों चल। अरे मैडम मैंने आपसे कहा ना हम लोग ऐसे लड़के नहीं है, और आप जैसे लोगों से दूर ही रहते हैं हम लोग, तो प्लीज जाइए आप। हाँ, और दूर हटिए थोड़ा, भाई लोग देख रहे हैं। अच्छा लोगों की वजह से शर्मा रहे हो क्या? क्या साहब आपस की बात है, इन्हें छोड़ो। अच्छा ये देखो, इसे देखकर ही तो आप कह रहे थे कि आपके अंदर का सांड जाग जाता है। कमरे में चलो ना साहब, अच्छे अच्छों का सांड जगा देती हूँ मैं। वहाँ चलो, वहाँ जाके आप इससे जो करना चाहे वो करना, इसका गुलेल बनाना या हवा में उड़ाना, ठीक है साहब? चलो बस कीजिए मैडम, मैंने आपसे कहा ना हम लोग अच्छे घरों से आते हैं और आप जैसे लोगों से दूर रहते हैं, प्लीज बदतमीजी मत कीजिए अब और जाइए यहाँ से। हाँ जाइए यहाँ से वरना पुलिस कंप्लेन कर दूँ। अबे चुप, पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये ले फोन कर पुलिस में कंप्लेन। और ये भी बताना कि ठीक 15 मिनट पहले तुम दोनों यहाँ खड़े होकर क्या बात कर रहे थे। कोई प्रोस्टिट्यूट नहीं हूँ मैं, एक नॉर्मल लड़की हूँ जो खड़े होकर अपना बस कैब का इंतजार कर रही थी। तो आप ये सब नाटक क्यों कर रहे थे? तुम दोनों को सबक सिखाने के लिए। और पता है तुम जैसे लोगों की वजह से ना लड़कियां घर के बाहर निकलने से भी डरती हैं, क्योंकि बाहर निकलती तुम्हारी कमेंट बाजियां शुरू हो जाती हैं, कभी कपड़े के ऊपर, कभी बॉडी के ऊपर, कभी चेहरे के ऊपर। और जिसने ऐसे कपड़े पहन लिए वो तो वो है। हाँ तुम्हारे लिए तो ऐसे कपड़े पहनकर घूमते हैं हम सड़कों पे। और क्या कह रहा था तू कि देखो उसकी ब्रा स्ट्रैप दिख रही है, तुम्हारी माँ बहन नहीं पहनती ब्रा, या उनकी ब्रा स्ट्रैप देखकर भी तुम्हारे अंदर का सांड जाग जाता है? देखो तुम देखो और चुपचाप मेरी बात सुनो, आज के बाद यहाँ नजर आए ना या किसी भी लड़की को छेड़ने की कोशिश भी की तो इस बार तो सिर्फ सुनाया है, अगली बार थप्पड़ बजाऊंगी और जेल में जाओगे वो अलग। निकलो यहाँ से, जा रहे हो या पुलिस को बुलाऊं? Whenever you face a situation like this, please raise your voice against it. Because whenever each woman stands up for herself, she stands up for all women. That's it for this film. I'll see you guys next week.